अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान। अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली किसी कंपनीज के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो या पाकिस्तानी कंपनीज है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बेसिकली, मेरे पास बिजनेस की ही डिग्री है, बिजनेस की सारी जिंदगी मैंने तालीम भी दी है, पढ़ाया भी है और बिजनेस ही किया है सारी जिंदगी। तो आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बिजनेस और कंपनीज के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ किन कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किन में नहीं करनी। ये वीडियोज आप देखते जाएंगे तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बिजनेस। आपको एमबीए किए बगैर मैं आपको इतना नॉलेज दे दूंगा कि एमबीए वाले बंदे भी आपके सामने खड़े होते हुए परेशान हो जाएंगे, उनको भी इतना नॉलेज नहीं होगा जितना मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ पाकिस्तानी डिग्री है बल्कि स्वीडन की डिग्री है और मैं सारी यूरोपियन कंट्रीज में सारों में ट्रैवल भी किया हुआ। ठीक है, ये वीडियोस आप एंड तक देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियो को शुरू में लाइक कर दें। ठीक है जी, बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है जी, पहली जो कंपनी आई विल रिकमेंड यू वो है यूनिलीवर। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी घर हैं, कोई बंदा सर्फ यूज कर रहा है, सर्फ एक्सेल यूज कर रहा है, कोई आदमी लक्स का सोप यूज कर रहा है, कोई सनसिल्क का शैम्पू यूज कर रहा है, कोई जनाब लिप्टम की चाय यूज कर रहा है, कोई डाटा का घी यूज कर रहा है, ये सारी यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। यूनिलीवर दुनिया की टॉप की कंपनी है, ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, और लेकिन ये पूरी दुनिया में है। चाहे आप अमेरिका जाए, चाहे आप कैनेडा जाए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाए, आपको ये लक्स के चाहे लिक्विड सोप मिलेंगे। पाकिस्तान में तो सोप टिक्की की शक्ल में मिलता है, लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पर टिक्की की सूरत में नहीं मिलता बल्कि लिक्विड सोप मिलता है। फिर शैम्पूज ये मिलते हैं, पॉन्ड्स का आप क्रीम देखी होगी, पॉन्ड्स के शैम्पूस देखे होंगे, सारे यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। डालडा है, ये सर्फ एक्सेल है, ये सारी चीजें। दूसरी कंपनी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी कंपनी है, वो है एंग्रो। एंग्रो फर्टिलाइजर बेसिकली कंपनी थी, लेकिन एंग्रो वाले अब फूड में भी आ गए। एंग्रो फूड, एंग्रो फूड में आप देख ले, ओलपर जो इनका मतलब मिल्क है, ओलपर मिल्क है, ओलपर का देसी घी है, ओलपर की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं एंग्रो की। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो एंग्रो से होती हैं, और एंग्रो वाले अपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हर साल प्रॉफिट देते हैं और कभी लॉस नहीं शेयर करते, और बड़ा अच्छा इनका रिप्यूट है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, यानी शोहरत बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर में आ जाए हब पावर। पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज पिछले 50 सालों से है, पिछले 50 सालों से लोड शेडिंग हो रही है, और हब पावर 1990s में ये खुली थी। ये पाकिस्तानी ग्रुप है, लेकिन पीछे इसके मल्टीनेशनल में तो फाइनेंसिंग है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और पाकिस्तान के अंदर हब शहर जो है वो कराची के साथ एक सिटी है, वहां पे हब डैम है, उसके करीब ही इन्होंने हब पावर कंपनी बनाई हुई है, जहां पे ये पहले जो इनकी प्लांट था वो फर्नस ऑयल बेस्ड ये बिजली बनाते थे। अब इन्होंने कोल के ऊपर भी शिफ्ट कर रहे हैं कई कंपनीज को, अपनी कई फैक्ट्रीज को। फिर ये जो थर है, थर के अंदर भी कोल की डिफरेंट ये प्लांट लगा रहे हैं और कुछ ऑपरेशनल भी हो गए हैं। तो ये जब कर रहे हैं तो इसमें भी हमेशा ये प्रॉफिट ही जनरेट करते हैं, और जब इनको प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे आ जाए फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर एक बहुत पुरानी कंपनी है, पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की बहुत नीड है। अब बताए गंदम है, चावल है, कपास है, गन्ने हैं, जितना कुछ भी पाकिस्तान में बनता है उसके पीछे एग फर्टिलाइजर का भी बहुत कमाल होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारी जो जमीन है वो अब फर्टिलाइजर की आदि हो गई है, और फर्टिलाइजर की कंपनीज हमेशा प्रॉफिट में जाती है। ठीक है, आगे आ जाए मैं कोलगेट पामोलिव की बात करूंगा। कोलगेट जो टूथपेस्ट है वो बड़ा मशहूर है, फिर पामोलिव साबुन बड़ा मशहूर है, फिर इनकी और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक्सप्रेस डिटर्जेंट आप देख लें, और भी बेशुमार किस्म की चीजें। कोलगेट पामोलिव की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम अपने घर में रोजाना की बेस पे यूज कर रहे हैं, उनके अगर आप शेयर होल्डर बन जाएंगे तो यू विल, आप चाहे उसके 100 शेयर ही खरीद लेना तो आपको हर साल 20% से लेकर 30% तक प्रॉफिट ही आ जाएगा, तो लॉस भी नहीं होगा, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई हराम कमाई भी नहीं है, आप ज़ाहिर है प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं। और कई पाकिस्तानी कंपनी से हजार गुना अच्छी इसलिए है कि ये ईमानदार लोग होते हैं, ये अपने शेयर होल्डर के साथ बेईमानी नहीं करते। पाकिस्तानी कंपनीज वाले तो बेईमानी भी करते हैं, अगर उनको प्रॉफिट हो 50% और वो शो करवा रहे होते हैं 10% या 5% और बल्कि लॉस शो करवा रहे होते हैं, वो पैसा हड़प कर जाते हैं बीच में से। इसलिए मैं आपको मल्टीनेशनल अच्छी कंपनीज का रिकमेंड करूंगा। इवन पाकिस्तानी कंपनी भी वो वाली कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स के साथ मुखलिस है, वो बेईमान नहीं है। ठीक है जी, आगे आ जाए लकी सीमेंट। लकी ग्रुप भी बड़ा अच्छा ग्रुप है, लकी का टेक्सटाइल मिल्स भी है, लकी की गाड़ियां भी है, और लकी मतलब ऑटोमोबाइल के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। निसान वाले मेरे ख्याल लकी से कर रहे थे, फिर हुंडई लकी के साथ, और भी डिफरेंट है। तो लकी जो सीमेंट है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लकी से ही अपना सीमेंट यूज कर रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करो। आगे आ जाए नेस्ले मिल्क पैक या नेस्ले पाकिस्तान। नेस्ले की प्रोडक्ट्स कौन बनता है पाकिस्तान में जो नहीं जानता? नेस्ले का दूध है, नेस्ले का मक्खन है, नेस्ले के जूसेस हैं, नेस्ले की बेशुमार प्रोडक्ट्स आपको नजर आ जाएंगी, नेस्ले की क्रीम है, तो नंबर वन फूड कंपनी दुनिया में ये जानी जाती है। आगे आ जाए ओजीडीसीएल, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड।
पाकिस्तान में ऑयल की जाहिर है कमी है, उसको जो एक्सप्लोर करते हैं, जमीन से जो निकालते हैं, गैस को निकालते हैं, वो ये कंपनी है बेसिकली, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी। अरबों अरबों डॉलर की कंपनी है और हर साल अरबों रुपया प्रॉफिट जनरेट करती है, बल्कि खरबों की कंपनी, खरबों डॉलर की और खरबों रुपया ये यानी इसका रेवेन्यू होता है हर साल। चूंकि हम सब लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं घर में, तो इनका प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट वो शेयर होल्डर के अंदर डिवाइड भी करते हैं ईमानदारी के साथ। आगे आ जाए शेल। शेल जो कंपनी है वो पेट्रोलियम बेस्ड कंपनी है, जिसका पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में या अपनी मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, इनका इंजन ऑयल हम यूज करते हैं गाड़ियों में, हम इनका ब्रेक ऑयल यूज करते हैं। बेशुमार और भी शेल की प्रोडक्ट्स हैं जो ऑयल बेस्ड हैं, जो हम अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने इंजन में, अपने जनरेटर्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। आगे आ जाए होंडा एटलस कार्स, या होंडा एटलस की एक मोटरसाइकिल का एक कंपनी है और एक होंडा एटलस कार है, दोनों में से किस में भी आप शेयर में इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि होंडा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली अगर आप इनकी मोटरसाइकिल देखें तो इनकी पेट्रोल एवरेज बड़ी अच्छी है, फ्यूल एवरेज जो बाकी जो चाइनीज मोटरसाइकिल्स हैं उनकी एवरेज आती है, जो उनकी 70 मोटरसाइकिल होती है उनकी 45 से 50 किलोमीटर से ज्यादा एवरेज नहीं होती, लेकिन होंडा सिटी 70 की 70 किलोमीटर एवरेज होती है एक लीटर के अंदर। और इसी तरह जो होंडा सिटी की गाड़ी है 12 से लेकर 15 किलोमीटर की एवरेज दे रही होती है शहर के अंदर, और लंबे रूटों पे 20 किलोमीटर की एवरेज दे रही होती है। तो वो जाहिर है होंडा एटलस कार का एक मियार है, जापान से इनके इंजन बन के आते हैं। आगे आ जाए इंडस मोटर। पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर जो गाड़ियां हैं वो है टोयोटा कंपनी की, टोयोटा की हाईएस्ट देख लें, टोयोटा करोला देख लें। टोयोटा करोला तो एक तरह कैश डिपॉजिट है, हमने जब भी, मेरे वाले साहब ने जब भी गाड़ी खरीदी है टोयोटा करोला ही खरीदी है, और टोयोटा करोला जब भी खरीद के सेल की है अगले 5 साल इस्तेमाल करने के बाद हमें 10 से 15% प्रॉफिट दे गई है। फर्ज किया हमने गाड़ी 5 लाख रुपए की ली है ना, तो जब हम बेचने गए तो हमारी 5.5 में बिकी है और 4-5 साल हमने इस्तेमाल भी कर लिया, इसलिए ये कैश डिपॉजिट है। जब चाहे आप बेच दें, जब चाहे आप रख लें अपने पास, जब चाहे खरीद लें, जब चाहे बेच लें, इस तरह समझे जैसे सोने के बिस्किट एक आदमी ने खरीदे होते हैं, जब मर्जी बेच दे मार्केट जाके, जब मर्जी खरीद लें, या आपने डॉलर खरीदे होते हैं, जब मर्जी खरीद लें, जब मर्जी बेच दें। इस तरह ये गाड़ी टोयोटा करोला जो है ये भी कैश डिपॉजिट है, जब मर्जी आप बेच सकते हैं। इसलिए इंडस मोटर की जो गाड़ी है या इंडस मोटर के शेयर है वो बड़े प्रॉफिटेबल है, इसको हर साल ये अपने शेयर होल्डर के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई विल आल्सो रिकमेंड यू कि अगर आपने किसी गाड़ियों की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो आप टोयोटा में इन्वेस्ट करें, या आप टोयोटा मतलब इंडस मोटर में, या होंडा एटलस कार में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। आगे आ जाए रफान मेज प्रोडक्ट। रफान की कंपनी पिछले 60 साल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, अयूब खान के जमाने की ये रफान कंपनी अमेरिकन कंपनी है बेसिकली, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मकई है उसको ये लेके उसको प्रोसेस करते हैं, रफान का फ्लोर भी है रफान का बेसिकली, और क्या कहते हैं रफान का ऑयल भी है, आपको जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पे रफान का ऑयल मिल जाएगा, क्योंकि आम जो कुकिंग ऑयल है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आम कुकिंग ऑयल अगर इस वक्त 650 रुपये का लीटर है तो रफान का आएगा तकरीबन 800 या 900 रुपये, कोई समान ऐसा भी था कि डबल से भी ज्यादा प्राइस थी, इस वक्त 800-900 के करीब ये रफान का आपको कॉर्न ऑयल मिल जाता है मार्केट के अंदर। और रफान वाले हर साल अपने जो शेयर होल्डर हैं इनके अच्छा प्रॉफिट देते हैं, तो इसमें पैसा आपका डूबने के भी चांस कोई नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो रिलायबल है, फ्रॉड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंपनीज ऐसी भी हैं जो फेक कंपनीज बनाई होती है लोगों ने, और वो 2-3 साल बाद लॉस शो करके पैसा लपेट के भाग जाते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड, मैंने जो आपको 12 कंपनीज बताई है, जैसे एग्रो है, हब है, फौजी है, यूनिलीवर है, लकी है, कोलगेट पामोलिव है, नेस्ले है, OGDCL है, शेल है, टोटल है, ये सारी वो कंपनीज है जो अच्छी कंपनी है, जिसमें अगर आप के शेयर होल्डर ले लेते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, तो यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, लॉस में नहीं होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।